गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई शाम को हम कुशोल में रुके थे, तो अब कुशोल से जा रहे हैं मणिकर्ण साहिब। तो चलो आपको भी घुमाते हैं मणिकर्ण साहिब और खुद भी घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मणिकर्ण साहिब घूमने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइज हम निकल चुके हैं मणिकर्ण साहिब के लिए। तो गाइज थोड़ी देर के बाद हम पहुंचने वाले हैं मणिकर्ण, तो बहुत मजा आने वाला है। मणिकर्ण साहिब में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए ब्लॉग को पूरा देखें। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए मणिकर्ण साहिब, आपको भी दिखाते हैं मणिकर्ण। तो ये मणिकर्ण का मुख्य गेट है और एक ब्रिज है जो पार्वती नदी के ऊपर है। ये मणिकर्ण साहिब का गुरुद्वारा है जो आप देख रहे हैं आगे। ये भी एक गुरुद्वारा साहिब है, बहुत प्यारा प्लेस है। अब मैं आपको पार्वती रिवर दिखाता हूँ। तो भाई ये पार्वती नदी है, बहुत बहुत तेज भाव है नदी का। और ये जो आप देख रहे हैं शिव मंदिर है, और ये जो आप देख रहे हैं भाप जैसा ऊपर को उड़ रहा है, ये गर्म पानी का चश्मे है। गाइस ये पार्वती नदी है और ये पार्किंग है मणिकर्ण की। तो अभी मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। बाकी ये जो आप देख रहे हैं मणिकर्ण साहिब की मार्केट है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत मजा आ रहा है। बाकी क्लाउड देख के आपको पता लग ही गया होगा कितनी प्यारी जगह है और कितने लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो तालाब है गर्म पानी का जहाँ पर जेंट्स लोग नहाते हैं उसको दिखाता हूँ। तो एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर, जेंट्स लोग नहाते हैं। ये पानी जो है ये गर्म पानी है, ये देखो काफ़ी भाई लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे जो तालाब है वो काफ़ी है गर्म पानी के। कुछ यहाँ हैं, कुछ गुरुद्वारा साहिब के अंदर है और कुछ शिव मंदिर के अंदर है। जो पानी है गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है। तो अब हम भी चलते हैं। तो अब हम गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं। भारती, सीमा दीदी और उमा दीदी मार्केट में घूम रहे हैं और मैं, मनु भाई, सुनीता दीदी बाद में अभी जा रहे हैं। एक मैं दृश्य दिखा देता हूँ आपको पार्वती नदी का। तो अभी शुभेंद्र भैया भी मिले हमें यहाँ पर, इनसे मिलिए। इनका नाम है रुद्रा, रुद्रा नाम है ये, रुद्रा है। आंखें बंद क्यों की? अरे भाई यूट्यूब में आएंगे आप, हेलो हाय कर लो। यूट्यूब ब्लॉग बनाते हैं तुमको, उसमें डालेंगे यूट्यूब में, फेमस हो जाओगे। गाइस अभी हम मार्केट में ही घूम रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर है यहाँ पर। देखो एक मंदिर ये भी है, ये मणिकर्ण साहिब है, मणिकर्ण साहिब की मार्केट है, बहुत प्यारी मार्केट है। ये देखो गाइस कितना खोलता हुआ पानी है। ये देखो लोगों ने यहाँ पर आलू उबालने के लिए भी डाले हैं, बहुत खोलता हुआ पानी है भाई। ये देखो पानी कितना खोल रहा है। ये नैना माता का मंदिर है। तो गाइस अब जा रहे हैं हम राम मंदिर, मणिकर्ण का एक प्राचीन मंदिर है। ये पीछे आप मेरे गेट देख रहे हैं, ये राम मंदिर का है। यहाँ पर कुंड भी है नहाने के लिए, वहाँ पर हम नहाएंगे। चलो चलते हैं। भाई ये है राम मंदिर,
बहुत प्यारा प्लेस है ये देखो भाई, मजा आ गया यहाँ पर आके। बाकी पीछे वाला व्यू भी बहुत सुंदर है। तो देखो ये है सीताकुंड। तो भाई रामकुंड में नहा के हम हो गए फ्री, अब रह गया सिर्फ घूमने का काम। अभी हम राम मंदिर में घूमे और देखते हैं, थोड़ी बहुत मार्केट है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। तो ये है मार्केट मणिकरण की। बाकी एक और मंदिर मुझे दिख गया है, ये वाला श्री राधा कृष्ण प्राचीन मंदिर है। टेंपल की यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है, एक छोटा सा धाम है ये। यहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मणिकर्ण की काफ़ी लंबी मार्केट है, तो इसलिए मैं पूरी मार्केट तो नहीं दिखा पाऊँगा, मैं मेन मेन जो है वो दिखाऊँगा। तो अब मार्केट की जो ये वीडियो, इसको बंद करते हैं और कुछ नया दिखाते हैं। अब हम गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब जी का लंगर लगा है। गुरुद्वारा साहिब में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारा साहिब है अंदर, वीडियोग्राफी अलाउड होगी या नहीं होगी तो अंदर जाके पता लगेगा। गुरुद्वारा साहिब में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अब हम शिव मंदिर जा रहे हैं। तो भाई ये प्राचीन शिव मंदिर है, शिव मंदिर मणिकरण। भीड़ देख रहे हैं ना आप कितनी है। तो भाई ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। हर 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 महादेव, भोलेनाथ, जय शंकर। बाकी गर्म पानी देखो यार, इतना इतना गर्म पानी है यहाँ पे, लोग चावल पका रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है भोलेनाथ जी का। ये मुख्य मंदिर है भोलेनाथ जी। तो अभी हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए और यहाँ से पार्वती नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है। पार्वती नदी है, बहुत सुंदर दृश्य आ रहा है यहाँ से। बाकी देखो गर्म पानी के कितने भाप उड़ रहे हैं। और ये ब्रिज है मणिकरण का, गुरुद्वारा साहिब आने का। मणिकरण में बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम हम भोलेनाथ जी के मंदिर में हैं और हम मेरे पीछे देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। भाई कितना खौलता पानी है देखो। मणिकरण की याद के लिए ये वाला की रिंग ले रहा हूँ। तो गाइज ये था मणिकरण साहिब। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंगा फिर मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।